हे गाइस वेलकम बैक टू चैनल एंड वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ हैशटैग एडिट विद शिवम। तो इस वाले वीडियो में हम सिनेमैटिक एडिटिंग करने वाले, सिनेमैटिक इफेक्ट इस वाले फोटो को हम देने वाले। तो इसके लिए आपको लगेगा लाइटरूम एप्लीकेशन, एडोब का लाइटरूम एप्लीकेशन, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपको कुछ भी नहीं पता कि किस तरह एडिटिंग करते हैं, क्या करते हैं, तो सिंपली इस वीडियो को फॉलो कीजिए। मैं जितना जितना वैल्यूज रखता हूँ उतना उतना वैल्यूज आप अपने फोटो में रखिए, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कीजिए और आपका फोटो ऐसे ही एडिट हो जाएगा। सबसे पहले आपको अपना फोटो लेना है और उसे शेयर विद एडोब लाइटरूम करना है, और बाद में लाइटरूम में आने के बाद आपका यहाँ पर फोटो ओपन हो जाएगा। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा लाइट एडजस्टमेंट में, और इसमें मैं जैसे भी एडजस्टमेंट करता हूँ कुछ इसी तरह के एडजस्टमेंट कीजिए। सबसे पहले तो जो एक्सपोजर है उससे रखिए अप टू -46, कॉन्ट्रास्ट को रखिए अप टू 12-13, बाद में हमें शेडोज़ करना होगा 30-33, बाद में जो वाइट्स है उसे माइनस में ले लीजिए -37-38, बाद में जो ब्लैक्स है उसे भी माइनस में ले लीजिए अप टू -20। तो कुछ इस तरह की एडजस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी। बाद में जाना पड़ेगा यहीं पे ऊपर, यहाँ पे कर्व्स दिखते हैं इसे लेना पड़ेगा, और जो सबसे पहला वाला सबसे ऊपर वाला पॉइंट है उसे थोड़ा सा आपको ऊपर की तरफ स्लाइड करना है, लेफ्ट साइड की तरफ। बाद में आपको एक और पॉइंट यहाँ पर जनरेट करना है जिसे कि आपको ऊपर की तरफ ले जाना है। बाद में एक और पॉइंट यहाँ पर, इसे भी आपको थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेके जाना है। बाद में यहाँ पर एक पॉइंट, इसे यहाँ पर रखना है, और बाद में जो लास्ट वाला पॉइंट है उसे नीचे से ऐसा थोड़ा सा ऐसे ऊपर करना है। कुछ इस तरह का आपको फोटो हो जाएगा। बाद में आपको यहाँ पर बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है आपका फोटो कैसा भी, पर यहाँ पर फेस का ध्यान रखिए। फेस अगर यहाँ पर ब्लैक हो रहा है तो थोड़ा यहाँ से बढ़ा दीजिए और फेस का टोन आपका वाइट हो जाएगा। बाद में इसे डन कर लीजिए। बाद में जाइए कलर में, कलर एडजस्टमेंट में, यहाँ पे जो थर्मामीटर का आइकॉन दिखता है इसमें जाइए और टेम्परेचर को सेट कर लीजिए अप टू 7-8। यहाँ पर मैं इसे 7 पे रख रहा हूँ। बाद में जो टिंट है उसे माइनस में कर लीजिए -10, और जो सैचुरेशन है उसे -12 कर लीजिए। बाद में आपको जाना पड़ेगा यहाँ पर ऊपर एक बटन है मिक्स करके, इसमें जाना पड़ेगा, और जो सबसे पहला कलर है वो है रेड। यहाँ पर आपको पहला कलर सिलेक्ट करना होगा, और जो ह्यू है उसे रखना होगा 21-20, सेचुरेशन रखना होगा 16, और लुमिनेंस को रखना पड़ेगा 12। आप सिंपली मैं जितनी जितनी कलर एडजस्टमेंट कर ला उतनी एडजस्टमेंट कर लीजिए। यहाँ पर ह्यू को हमें 0 रखना होगा, सेचुरेशन को लेके जाना पड़ेगा -36, लुमिनेंस को 25-26। बाद में जाना होगा येल्लो कलर, येल्लो कलर में ह्यू होगा हमारा -83, और जो सेचुरेशन होगा वो होगा माइनस में अप टू -70-72, और जो लुमिनेंस होगा वो होगा 0। बाद में हम जाएंगे ग्रीन कलर में, और ग्रीन कलर में हमें ह्यू को पूरा कम कर लेना है -100, सेचुरेशन को रखना है -37, और लुमिनेंस को करना है -47। बाद में जाना है हमारे जो क्या बोलते हैं इस कलर को, ब्लू जैसा होता है, इसका भी आपको ह्यू -100 करना होगा, सेचुरेशन प्लस में लेके जाना पड़ेगा अप टू 39-40, और जो लुमिनेंस है इसे प्लस में +90। ओके, ये होने के बाद आपको जाना पड़ेगा ब्लू कलर में। ब्लू कलर में आपको ह्यू को लेके जाने का पड़ेगा प्लस में, ह्यू होगा आपका +49, आपका सेचुरेशन होगा प्लस में +37-38, और लुमिनेंस होगा 38-39। बाद में जाना पड़ेगा पर्पल कलर में। पर्पल कलर में आपका ही होगा माइनस में -12-15, सेचुरेशन को आपको 0 ही रखना है, ल्यूमिनेंस को आपको यहाँ पर कर देना है +10। और बाद में जाना होगा मैजेंटा कलर में, इसमें आपको ह्यू रखना पड़ेगा -29-30, सेचुरेशन आपको 0 रखना है, और जो ल्यूमिनेंस है उसे करना पड़ेगा -49। तो यहाँ पर आप देख सकते करीब करीब हमारी फोटो मतलब 50% यहाँ पर हो गई है। 50% तो यहाँ पर हमारा इफेक्ट आ चुका है, इसको आपको डन कर लेना है। बाद में आपको जाना पड़ेगा एडजस्टमेंट में, तो इसमें आपको क्लैरिटी करनी पड़ेगी इसकी अप टू 60-63। आपके फ़ोटो पे डिपेंड करता है, मतलब ज़्यादा ही रफ हो रहा है फ़ोटो तो कम कीजिए। विग्नेट को रखना पड़ेगा -20, ये भी आपके फ़ोटो पे डिपेंड करता है, कुछ इस तरह का शेड आता है इसको फोटो में। और बाद में जो फीदर्स होता है इसका, जो हमने विग्नेट का इफेक्ट दिया उसे एडजस्टमेंट करने के लिए इसे 71-70। बाद में सबसे ऊपर यहाँ पर दिया हुआ है स्प्लिट टोन, यहाँ पर आपको हाइलाइट्स और शेडो को एडजस्ट करना होगा। तो यहाँ पर आपको जो हाइलाइट्स है उसमें H201 और सेचुरेशन 10 रखना है। तो अगर ये नीचे वाला आप सिंपली इसे बार को सामने और आगे पीछे ले जाते तो यहाँ पर ह्यू का एडजस्टमेंट होता है, और इसे ऊपर और नीचे करते हैं तो सेचुरेशन का एडजस्टमेंट होता है। तो हमें इसे आगे लेके जाना पड़ेगा अप टू 200, और थोड़ा सा यहाँ पर हमें इसे ऊपर उठाएं तो सेचुरेशन भी बढ़ता है, दिख रहे हैं आप,
तो कुछ इस तरह का आपको रखना पड़ेगा। बाद में शेडोज़ में आपको शेडोज़ को 54 तक रखना है, तो सिंपली इसे नीचे से आगे कर लीजिए, 54 टू 55 रखिए, और बाद में जो बैलेंस वाला बटन है उसे अप टू 15 टू 16 लेके जाइए, मतलब जो हमारा दोनों इफेक्ट है वो यहाँ पर बैलेंस हो जाएगी। बाद में डन पर क्लिक कर लीजिए। बाद में हमें जाना पड़ेगा डिटेल्स में, और डिटेल्स में यहाँ पर थोड़ा बहुत इसे शार्प कर दीजिए अप टू 25 टू 26, और बाद में जो नॉइस रिडक्शन है उसे भी 29 टू 30 कर लीजिए, मतलब जो आपके फोटो में नॉइस होगा वो यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगा। नॉइस रिडक्शन होने के बाद कलर नॉइस रिडक्शन भी कर लीजिए अप टू 40 टू 44, इससे आपका जो कलर्स है वो भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा सब कुछ हो गया है, और आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह की हमारी पहले फ़ोटो थी, और अब कुछ इस तरह की एकदम सिनेमैटिक वाली काफ़ी कमाल की फ़ोटो बन चुकी है। तो ये होने के बाद आपको सिंपली थ्री वाले डॉट पे क्लिक कर लीजिए, और सेव टू डिवाइस पे क्लिक करने के बाद आपका फ़ोटो आपकी डिवाइस में सेव हो जाएगा। तो कुछ इस तरह की आपकी फ़ोटो हो जाती है। तो खींचिए अपनी फ़ोटो, कर लीजिए एडिट, और मुझे टैग भी कीजिए इंस्टाग्राम पे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप सपोर्टिंग, एंड दिस इज योर फ्रेंड शिवम साइनिंग आउट।